फ्रेंड्स, डिस्कस कर रहे हैं वापस एक रिपीट सेशन है अपना स्टार प्रीमियर पॉलिसी का। देखिए, वी हैड फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, यंग स्टार, आरोग्य संजीवनी, एंड वी हैड रिसेंटली लॉन्च्ड स्टार वुमन केयर ऑल्सी पॉलिसी। एंड इसी कड़ी में एक नया प्रोडक्ट आपके लिए है, और वो प्रोडक्ट है स्टार प्रीमियर, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट मी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। आपको कोई बात हो तो यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। मैंने आप सभी को म्यूट किया हुआ है, सो यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक एनीथिंग। आपका कोई भी क्वेरी होगा आप चैट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्टार प्रीमियर पॉलिसी फ्रेंड्स, देखिए डिफरेंट यूनिक टाइप ऑफ पॉलिसी है। ये यूनिक पॉलिसी मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूनिक प्लान ऑफरिंग एंट्री अप टू एनी एज। अभी तक आपके पास में जो प्लान थे, आपको 65 इयर्स तक ही आपको एंट्री करने मिल रहा था, राइट? आप 65 तक एंट्री कर पा रहे थे, और अब आप इस प्लान में किसी भी एज को पॉलिसी दे सकते हैं। ओके, आप किसी को भी ये पॉलिसी दे सकते हैं टू अप टू एनी एज। आपके पास ये 90 साल का, 100 साल का व्यक्ति है तो उसको भी आप ये पॉलिसी दे सकते हैं, बियॉन्ड 75 ऑल्सो। और खास बात यह है कि दिस पॉलिसी इज गोइंग टू बी विदाउट मेडिकल चेकअप। आप 80 साल के व्यक्ति को दे रहे हो, नो मेडिकल चेकअप रिक्वायर्ड। जो डिक्लेरेशन पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म में दिया गया है, वेरिफिकेशन में बात हुई है, डिपेंडिंग ऑन दैट पॉलिसी विल बी इश्यूड। तो एक्सीलेंट, जो सेगमेंट आपका अभी तक छूट जाता था उसको भी आप ये पॉलिसी दे सकते हैं, बियॉन्ड 65-75 ईयर्स। एडल्ट एंट्री स्टार्ट्स एट 50 ईयर्स। आप 50 साल के नीचे के व्यक्तियों को ये पॉलिसी नहीं दे सकेंगे। 50 साल से ये प्राइमरी मेंबर जो होगा उसका 50 साल एज कंप्लीट होना जरूरी है, एंड 50 टू एनी एज एंट्री अलाउड। चाइल्ड 91 डेज टू 25 ईयर्स एंड रिन्यूअल्स लाइफ टाइम। आप इस पॉलिसी में पेरेंट्स एंड पेरेंट इन लॉ को भी कवर कर सकते हैं एज टू एडल्ट। अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव में बेटा अपने माँ बाप को प्रपोज नहीं कर सकता, राइट ना? जो प्राइमरी इंश्योर्ड व्यक्ति होते थे, मम्मी या पापा, जो मतलब सेल्फ और स्पाउस, वही उसको प्रपोज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको पेरेंट्स एंड पेरेंट इन लॉ को भी कवर करने का ऑप्शन दिया गया। यू कैन प्रपोज द पॉलिसी फॉर योर पेरेंट्स और पेरेंट इन लॉज। वन पेरेंट एंड वन पेरेंट इन लॉ कैनॉट बी कवर्ड, दिस विल बी टू ए। ओके, तो यहां पर आप पेरेंट एंड पेरेंट इन लॉ को भी कवर कर सकते हैं। जोन वाइज प्रीमियम आपको यहां पर मिल रहा है, जोन वाइज प्रीमियम। यहां पर जोन वन और जोन टू, ये दो ही जोन रखा गया है। आपको पता है कि भाई फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में चार जोन है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखने के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है। यहां पर यू हैव गॉट टू जोन ओनली। जोन वन इंक्लूड्स दिल्ली, दैट इज इंक्लूडिंग जो उसका नियर बाय एरिया है, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा एंड मुंबई, थाने, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा। दिस इज जोन वन, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया विल बी इन जोन टू, और जोन टू के लिए प्रीमियम विल बी लेस देन जोन वन। आप इंडिविजुअल पॉलिसी कर सकते हो, फ्लोटर पॉलिसी कर सकते हो। आपको फ्लोटर टू एडल्ट प्लस थ्री चाइल्ड तक का मिल रहा है। आपको यहां पर एक यंगर डिस्काउंट दिया गया। यंगर डिस्काउंट का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका एंट्री करने वाला व्यक्ति से ही से एग्जांपल 52 इयर्स, 52 का एज है, और उसका स्पाउस इज से 48 इयर्स, बिलो 50 है, एंट्री इज नॉट अलाउड। बट आफ्टर गिविंग यंगर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द 50 इयर्स एज, 52 इयर्स एज जो प्रिंसिपल इंश्योर्ड व्यक्ति है उसकी एज पर 10% डिस्काउंट करके उसको ऐड किया जा सकता है। ओके, टू एडल्ट कर सकते हैं। Spouse will be given 10% discount over here. And another, there is another discount that is called as the floater discount. Floater discount का मतलब क्या है कि second व्यक्ति को 40% discount दिया जाएगा to make the policy. आपको जो premium मिलेगा वो आपका individual premium है, आपको उसको floater बनाने के लिए आपको यहाँ पर discount apply करना है। So younger discount plus 40% discount, यदि वो 50 के नीचे है spouse, तो यंगर डिस्काउंट 10% मिलेगा एंड अनदर 40% ऑन द प्रीमियम फॉर फ्लोटर। यदि समझिए कोई 58 एंड 56 है, तो 58 वाले का प्रीमियम लेके 56 वाले के प्रीमियम पे 40% डिस्काउंट करके आपको टू एडल्ट का प्रीमियम कैलकुलेट करना होगा।
आपके पोर्टल एंड बहुत सारे जो एप्स हैं वहां पर ये जो प्लान आ जाएगा तो आपके लिए प्रीमियम कैलकुलेशन विल बिकम वेरी इजी। अभी फिलहाल आपको लगेगा यार ये मैनुअली मैं कैसे करूं, बट डेफिनेटली यू विल गेट इट इन द योर पोर्टल्स एंड डिफरेंट थर्ड पार्टी एप्स ऑल्सो। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट भी है, यदि आपको 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा भरते हैं तो देयर विल बी अ डिस्काउंट ऑफ 11.25% ऑन सेकेंड एंड थर्ड ईयर प्रीमियम। आज यदि कोई व्यक्ति अपना पैसा बैंक में रख रहा है तो सेविंग पर या एफडी पर 3-4% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन यदि वो यहां पर पैसा जमा कर देगा 3 साल का इकट्ठा तो सेकंड एंड थर्ड ईयर पर प्रीमियम पर उसको 11.25 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये इट्स अ वेरी गुड अट्रैक्टिव डिस्काउंट, आप ये बात कस्टमर को बोल के आप बेनिफिट ले सकते हैं 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम लेने का। 2 साल के पॉलिसी पर आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम प्लस सेकंड ईयर प्रीमियम पर 10% डिस्काउंट अप्लाई होगा। So you can sell 2 years and three years policy also. EMI facility for 1 year policy. 1 year annual policy जो होता है annual premium को quarterly या half yearly में भी pay किया जा सकता है। For quarterly there is a loading of 3% on the annual premium and half yearly there is a loading of 2% on the half annual premium. Okay? So EMI policy. EMI के लिए you have to do the proposal online. Payment should be done online. और आपको ई नच फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका जो प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट होते जाएगा। सम इंश्योर्ड देखिए यहाँ पर मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 10 लाख, 10 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। भाई बाकी पॉलिसीज में क्या होता है 25 लाख का ऑप्शन होता है, यहाँ पर 25 लाख का ऑप्शन नहीं है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख एंड देन 50 लाख, 50 लाख, 75 लाख एंड 1 करोड़ एंड ऑल दिस सम इंश्योर्ड फॉर एनी एज इज विदाउट मेडिकल चेकअप। यदि कोई व्यक्ति 65 से बाद एंट्री कर रहा है तो ही इज इंटाइटल्ड फॉर मैक्सिमम कवरेज ऑफ 50 लाख। 65 के बाद एंट्री करने वाले को 75 लाख का और 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड अप्लाई नहीं होगा। एंड वन मोर कंडीशन, देयर विल बी अ को पेमेंट ऑफ 20% इन ईच क्लेम फॉर एंट्री अबव 65 ईयर्स। 65 साल से अधिक वाले जब पॉलिसी में एंट्री करेंगे तो उनको नंबर वन मैक्सिमम 50,000 का कवरेज मिलेगा और उनको क्लेम पर 20% का कोपे भी अप्लाई होगा। ओके, यहां पर मिड टर्म इंक्लूजन ऑफ न्यूली मैरिड स्पाउस दिया गया है। यदि व्यक्ति की बीच में शादी हो रही है तो मिड टर्म में उसके स्पाउस को ऐड कर सकते हैं विद प्रोपोर्शनेट पेमेंट प्रीमियम लेकर, बट विद इन 45 डेज नोटिस पीरियड। डेट ऑफ मैरिज से 45 डेज के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, यदि आपका 45 डेज उसमें से निकल गया है तो उसको रिन्यूअल पर एड करने मिलेगा, बीच में आप नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये है मिड टर्म इंक्लूजन ऑफ न्यूली मैरिड स्पाउस। रूम रेंट फॉर 10 लाख रुपी पॉलिसी इज मैक्सिमम रुपीज 10,000 रुपीज पर डे एंड 20 लाख एंड अबव मैक्सिमम 20,000 रुपीज पर डे। फॉर 1 करोड़ सम इंश्योर्ड ऑल्सो 20,000 रुपीज पर डे का रूम रेंट एलिजिबल होगा। इसमें एनी रूम इज अलाउड, ओके, विद मैक्सिमम कैपिंग ऑफ 20,000 रुपीज। 10 लाख की पॉलिसी के लिए मैक्सिमम कैपिंग इज 10 लाख। ओके, रूम रेंट 10 लाख, 10,000, 20 लाख एंड अबाउट 20,000। हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले 60 दिनों के खर्चे कवर किए जाएंगे, दैट इज प्री हॉस्पिटलाइजेशन, एंड डिस्चार्ज के बाद के 90 दिन के एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे, दैट इज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज। रोड एम्बुलेंस इज एट एक्चुअल, जैसे FHO में कैपिंग है तो कई बार डिस्प्यूट हो जाता है, तो देर इज नो कैपिंग ऑन एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस इज ऑल्सो अलाउड इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यदि कहीं पर बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है और उसको यहाँ पर किसी सिटी में लेकर आना है थ्रू एयर एम्बुलेंस, 2,50,000 रुपीज कैन बी पेड। यदि पॉलिसी पीरियड में सेकेंड टाइम भी जरूरत होती है तो अनदर 2,50,000 रुपीज ऑल्सो कैन बी पेड, नॉट मोर देन दैट। ओके, ऑल डे केयर सर्जरीज, डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिकल एडवांसमेंट हो रहा है ना, बहुत सारी सर्जरीज डे केयर पर होने लग गई है, आगे चल के और भी बहुत सारी सर्जरीज डे केयर पर होंगी, तो ऑल डे केयर सर्जरीज प्रोसीजर्स विल बी कवर्ड अप टू द एक्चुअल्स। आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू द सम इंश्योर्ड। आपको एक ये भी बेनिफिट मिल गया कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इन द रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स
और किसी हॉस्पिटल में जहाँ पर सेपरेट डिपार्टमेंट है आयुर्वेदिक का और वहाँ पर ये एडमिट किया जाता है, इन पेशेंट ट्रीटमेंट किया जाता है, वो भी कवर किया जाएगा अप टू द सम इंश्योर्ड। देर इज नो कैपिंग लाइक 20,000, 30,000 और 50,000 रुपीज, बट आयुष ट्रीटमेंट विल बी एट द एक्चुअल। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस कवर्ड अप टू द सम इंश्योर्ड, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। ऑर्गन डोनर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए। मैं तो यहाँ पर कहूँगा कि यदि आपने ऑर्गन डोनर का प्लेज नहीं लिया है तो आप ऑर्गन डोनर प्लेज लीजिए। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल और जहाँ पर ब्रेन डेड हो जाते हैं ऐसे कंडीशन में ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं, एक व्यक्ति 6-7-8 लोगों की जान भी बचा सकता है। तो इसलिए ऑर्गन डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉलिसी में ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस दिया गया है अप टू द सम इंश्योर्ड विच इज अबव द बेसिक सम इंश्योर्ड। जो आइटम्स नॉन पेएबल हैं एज पर द आईआरडी लिस्ट 68 आइटम्स, दीज 68 आइटम्स आर आल्सो कवर्ड इन दिस पॉलिसी। कैटरेक्ट का कैपिंग है यहां पर, कैटरेक्ट की कैपिंग देखिएगा 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख के पॉलिसी के लिए 1 eye 50,000 एंड सेकेंड आई अनदर 30,000 इन द सेम पॉलिसी पीरियड 50,000, 80,000 एंड 50 लाख एंड अबोव 60,000 एंड 1 लाख। देखिए ये बहुत अच्छा इसमें दिया गया है, ये जो कैटरेक्ट की लिमिट इज क्वाइट सफिशियंट है ना, 1 लाख रुपए में तो आराम से या 80,000 रुपए में भी आराम से दोनों आंखों का आज कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाता है। तो पहले जैसे था कि भी आपका इतना ही मिल रहा है, आपको दूसरी आंख के लिए आपको ज्यादा चाहिए तो आप नेक्स्ट ईयर में लीजिए, तो 1 साल में भी उसका यहाँ पर कवर हो जा रहा है। बेरियाट्रिक सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी ये जो फीचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि धीरे धीरे आज की डेट में ना आप देखिए लोगों का ओबेसिटी बढ़ते जा रहा है, ओबेसिटी के कारण बहुत सारे कोमोर्बिड कंडीशंस बढ़ते जा रही है, तो वेटिंग पीरियड 2 इयर्स बेरियाट्रिक सर्जरी इज कवर्ड। 10 लाख और 20 लाख के पॉलिसी को 2.5 लाख रुपए, 30 लाख एंड अबो को 5 लाख रुपए, तो बेरियाट्रिक सर्जरी इज कवर्ड। वेलनेस डिस्काउंट अप टू 10%। आप मेरा वीडियो देखिएगा स्टार वेलनेस का, मैंने एक सेपरेट पूरा आपको एक्सप्लेन किया था, एक सेशन लिया था। तो डिस्काउंट अप टू 10% कैन बी अवेल्ड बाय गिविंग द डेली एक्टिविटी टू फॉर वेट मैनेजमेंट एंड कीपिंग योरसेल्फ हेल्थी। वो सारा एक्टिविटी आप स्टार पावर पे अपलोड करेंगे डेली बेसिस पर, तो यू विल बी गेटिंग सम पॉइंट्स, तो अक्रूड पॉइंट्स विल डिसाइड योर डिस्काउंट, इट विल बी 2% to 10% ऑन रिन्यूअल। नो क्लेम बोनस 20% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 100%। यदि वहां पर क्लेम फ्री ईयर है तो नेक्स्ट ईयर में 20% नो क्लेम बोनस मिलेगा और इशो ऑन अप टू 100%। ऑटो रिस्टोरेशन की हम लोग बात करते हैं, ऑटो रिस्टोरेशन यहां पर पार्शियल क्लेम होने पर भी ट्रिगर हो जाएगा और फुल क्लेम होने पर तो ट्रिगर होता ही है फॉर द नेक्स्ट क्लेम। फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि 10 लाख का पॉलिसी है, 2 लाख रुपए का क्लेम आया, ओके 8 लाख बचे हैं, लेकिन यहां पर 10 लाख का आपका रिस्टोरेशन ट्रिगर हो जाएगा एंड 8 लाख प्लस 10 लाख 18 लाख कवरेज इज देयर। बट कंडीशन ऐसी है कि सिंगल क्लेम कैन नॉट बी पेड मोर देन द बेसिक सम इंश्योर। तो यदि कोई सिंगल क्लेम अराइज होता है तो बेसिक सम इंश्योर इस एग्जांपल के केस में 10 लाख रुपए का है, तो इंस्टेड ऑफ 18 लाख जो उसका अक्रूड रिस्टोरेशन बेनिफिट है उसमें से मैक्सिमम क्लेम पेड विल बी इन अ सिंगल क्लेम विल बी 10 लाख, राइट। हेल्थ चेकअप फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है जिसके द्वारा अपना पॉलिसी होल्डर भविष्य में होने वाली बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस से अपने को बचा सकता है। यहां पर देखिए 10 लाख के पॉलिसी को इफ इट इज एन इंडिविजुअल 3,000 रुपीज, फ्लोटर पॉलिसी में 4,000 एंड सो ऑन। आप देखिए पूरा चार्ट मैंने आपको दिया है, 1 करोड़ की पॉलिसी में 7,000 रुपया इंडिविजुअल के लिए एंड फ्लोटर में 10,000 रुपया हेल्थ चेकअप बेनिफिट कैन बी अवेल्ड। लेकिन यहां पर जो नेटवर्क हॉस्पिटल का जो कंडीशन था दैट हैज बीन चेंज्ड, आप कहीं पर भी करवा के आप सबमिट कर सकते हैं, एनी हॉस्पिटल एनी सेंटर, नॉट नेसेसरीली नेटवर्क, नेटवर्क पे भी करा सकते हैं नॉन नेटवर्क पे भी करा सकते हैं, सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू। यहाँ पे एक ओपीडी कवर दिया गया विदाउट एनी ब्रेक वेटिंग पीरियड,
आज पॉलिसी ली है और कल उसको कोई ओपीडी के लिए कंसल्टेशन करना है तो आउट पेशेंट कवर इज देयर. इट्स अ लिमिटेड लिमिटेड अमाउंट. 10 लाख के पॉलिसी को इंडिविजुअल के केस में 3,000 रुपीज पर ईयर, टोटल में 4,000 रुपीज पर ईयर एंड सो ऑन. तो इस तरह से एक आउट पेशेंट कवर भी दिया गया है जो कस्टमर के लिए एक यूजफुल. आप लोग बोलते थे कि भाई ओपीडी मिलता नहीं है, ओपीडी मिलता नहीं. कस्टमर बोलता है ओपीडी नहीं मिलता है, हमको तो सिर्फ पैसा ही होता है, हमें तो लेना चाहिए वगैरह वगैरह. तो आपके लिए एक ये इजी कर दिया गया. जो मॉडर्न ट्रीटमेंट पहले कवर नहीं होते थे वो इस पॉलिसी में कवर होंगे, मॉडर्न ट्रीटमेंट, बट अप टू द 50% ऑफ द सम इंश्योर. राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दिस रोबोटिक सर्जरी. पहले इसका कवरेज नहीं होता था लेकिन नाउ रोबोटिक सर्जरी विल बी कवर्ड, बट द क्लेम पेबल विल बी अप टू द 50% ऑफ द सम इंश्योर. हॉस्पाइस केयर, हॉस्पाइस केयर एक नया बेनिफिट इसमें आपको ऐड किया गया है. हॉस्पाइस केयर देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. हॉस्पिस केयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ केयर दैट फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल एंड देयर केयर गिवर्स. केयर गिवर्स कौन है? फेयर फैमिली मेंबर्स हु आर एक्सपीरियंसिंग एन एडवांस्ड लाइफ लिमिटिंग इलनेस. यहाँ पे समझो डॉक्टर ने हाथ उठा दिए हैं कि भाई ये अब कब तक जिएगा पता नहीं है, मौत यहाँ पर निश्चित है, आप घर पे ले जाओ सेवा करो. लेकिन आजकल क्या होता है कि सारे बेटा बहू दोनों काम कर रहे हैं, दोनों अर्निंग है, जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में सेवा कौन करेगा? तो वो किसी केयर टेकर को रखते हैं या उस पेशेंट को कुछ नेटवर्क हॉस्पिटल पर जहाँ पर उनके लिए एक हॉस्पिस केयर का एक सेंटर होता है वहाँ पर रखते हैं. तो उसका जो ट्रीटमेंट एंड केयर होता है दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ केयर. अब पेशेंट को पता कि भाई मैं मरने वाला हूँ तो वो नर्वस रहता है, डिप्रेशन में रहता है, लेकिन उसकी काउंसिलिंग की जाती है, उसको सही समय पर खाना पीना एंड ऑल केयर इज गिवन. तो दिस इज कॉल्ड एज हॉस्पिस केयर. 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 5 लाख, बट एट नेटवर्क हॉस्पिटल ओनली. एक ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है इस पॉलिसी में लोगों को बताने के लिए. होम केयर ट्रीटमेंट, कुछ ट्रीटमेंट जो घर पे रहकर दिए जाते हैं, जो इन पेशेंट ट्रीटमेंट करना चाहिए हॉस्पिटल में रखकर लेकिन घर पे कर रहे हैं, डॉक्टर विजिट, नर्सिंग विजिट वगैरह वगैरह सब इंक्लूड करके. सो दैट विल बी 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 5 लाख फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस. इसमें कंडीशंस ये हैं देखिए, फीवर, इन्फेक्शियस डिसीजेस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अस्थमा, COPD, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, केमोथेरेपी, पैलेटिव कैंसर, एक्यूट वर्टिगो, डायबिटिक फूड सेल्युलाइटिस, स्लिप डिस्क, मेजर सर्जरीज जहाँ पर IV उसको देना है पोस्ट डिस्चार्ज, वो भी घर पे रखे दे सकते हैं, केयर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी केसेस, CVA केसेस, ये सारे कंडीशंस को घर पे रखे जो ट्रीटमेंट होगा उसको होम केयर ट्रीटमेंट के तौर पर 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का क्लेम दिया जा सकेगा. रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट. ओके, इसमें देखिए कि इन सर्टेन कंडीशन जहां पे मैंने आपको बताया था, जैसे ट्रॉमा या हार्ट सर्जरी है, ब्रेन सर्जरी है, स्पाइन सर्जरी है, जहां पर उसका रिहैबिलिटेशन जरूरी है या पेन मैनेजमेंट करने के लिए उसको एक सेंटर पे रखना है, 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड मैक्सिमम कैन बी पेड. ओके, 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड बट एट अथोराइज्ड सेंटर्स ओनली. ये अथोराइज्ड सेंटर का लिस्ट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, कंपनी वेबसाइट पर मिल जाएगा. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यदि 65 के बाद एंट्री है तो 20% ऑफ को पेमेंट विल बी अप्लाइड इन ईच क्लेम. ओके, हेल्थ चेक. यदि पॉलिसी लेने के वक्त कस्टमर कुछ रिपोर्ट्स करके देने के लिए तैयार है या उसने ये सारी रिपोर्ट्स अभी रिसेंटली की है, दैट इज 2D इको और TMT, ब्लड प्रेशर 3 रीडिंग्स, फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, ब्लड यूरिया, क्रिटेरिन एंड यूरिन एग्जामिनेशन, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, इतने सारे रिपोर्ट्स यदि वो सबमिट करेगा तो सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग ही और शी इज एंटाइटल्ड फॉर 10% डिस्काउंट इन द प्रीमियम. ओके, उसके प्रीमियम में 10% का डिस्काउंट किया. इनिशियल वेटिंग पीरियड इज 30 डेज. स्पेसिफिक डिसीजेस लाइक हर्निया, पाइल्स, फिस्टुला एक्सेट्रा आर कवर्ड आफ्टर 2 ईयर्स.
and important pre-existing disease is also covered after 2 years. Okay friends, आपका आगे बात समझ में? सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट पॉलिसी से स्टार प्रीमियर में माइग्रेशन इज अलाउड, पोर्टेबिलिटी इज ऑल्सो अलाउड. ये सारे बातों को देखते हुए एक ये प्लान बहुत ही अट्रैक्टिव प्लान है जो 50 साल से अधिक के लोगों को हम दे सकते हैं. तो आई होप कि आपको सारा डिटेल्स में आपको समझ में आया होगा एंड आप इस प्लान को अच्छा सेल करेंगे. किसी भी प्लान की सफलता जो है वो प्लान सक्सेसफुल कब होता है, जब आप उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए उन्हें सेल करते हैं. तो मेरी शुभकामनाएं हैं. वी कैन हैव ओपन डिस्कशन फॉर योर क्वेरी डिस्कशन.